पुलिसकर्मी से लूट। यूपी के बागपत जिले में आपराधिक वारदातें रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। जहां बेखौफ बदमाश दिन दहाड़े लूट जैसी वारदातों को अंजाम देकर पुलिस को चुनौती दे रहे हैं। ताजा मामला थाना सिंघावली अहिर क्षेत्र का है, जहां पुलिस चौकी से चंद दूरी पर मोटरसाइकिल पर सवार बेखौफ बदमाशों ने तमंचे के बल पर एक फाइनेंस कंपनी के एजेंट से 97,000 रुपए लूट लिए और बेखौफ बदमाश वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए। जिसकी सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस वारदात की तफ्तीश में जुटी है। बताया जा रहा है कि भारत फाइनेंस कंपनी में कलेक्शन एजेंट का काम करने वाला युवक दीपक शर्मा जब अपनी मोटरसाइकिल से बड़ौद की तरफ जा रहा था और जब वह टेढ़ा पुलिस चौकी से चंद कदमों की दूरी पर ही पेट्रोल पंप के पास पहुंचा तो तभी पीछे से आए मोटरसाइकिल सवार तीन बदमाशों ने तमंचे के बल पर उससे 97,600 रुपए लूट लिए और लूट की वारदात को अंजाम देने के बाद बेखौफ बदमाश हथियार लहराते हुए मौके से फरार हो गए। जिसकी सूचना मिलने के बाद पुलिस के अधिकारियों में हड़कंप मच गया और मौके पर पहुंची पुलिस पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाल बदमाशों की तलाश कर रही है। वहीं सीओ बागपत दिलीप सिंह का कहना है कि थाना पुलिस पूरी वारदात की जांच में जुटी हुई है, जल्द ही मामले का खुलासा किया जाएगा। सर, थाना थिंगाली क्षेत्र के टेढ़ा चौक के पास में सर एक लूट की घटना हुई है, पूरा प्रकरण क्या है सर? आज समय लगभग 1 बजे एक दीपक शर्मा नाम का व्यक्ति जो भारत फाइनेंस कंपनी में कलेक्टिंग एजेंट का काम करता है, वो अपनी मोटरसाइकिल से जा रहा था। वहाँ टेढ़ा चौकी से आगे पेट्रोल पंप से थोड़ा आगे चलते स्कूल से थोड़ा आगे पीछे से उसका कहना है कि तीन मोटरसाइकिल सवार रहे और उन्होंने जो है हमको तमंचे के बल से जला झुका करके हमारे बैग को छीन लिए, जिसमें हमारे लगभग 97,600 रुपये थे। इस प्रकरण की वहाँ जांच की जा रही है और जांच करने के बाद जो भी विधिक कार्रवाई होगी वो की जाएगी। थैंक यू सर।